दोस्तों, आज हम जानेंगे चॉकलेट का आविष्कार कैसे हुआ था। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे चॉकलेट खाना पसंद ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले चॉकलेट कहाँ बनी थी और इसका इतिहास क्या है? चलिए जानते हैं चॉकलेट के आविष्कार के बारे में। चॉकलेट का 4000 वर्ष का इतिहास प्राचीन मेसो अमेरिका यानी कि आधुनिक मेक्सिको में आरंभ हुआ था। सबसे पहले कोको के पौधे यहीं लगाए गए थे। हालांकि अब अफ्रीका द्वारा दुनिया के लगभग 70% कोको की पूर्ति अकेले की जाती है। लैटिन अमेरिका में ओलमेक्स ने कोको के फलों के बीज को पीसकर सबसे पहले चॉकलेट बनाई थी। हालांकि इसका स्वाद कड़वा था। सन 1848 में ब्रिटिश कंपनी J.S. Fry & Sons ने पहली मर्तबा कोको लीकर में कोको बटर और चीनी को मिलाकर खाने योग्य चॉकलेट बनाया था। सन 1868 में कैडबरी नामक एक नई कंपनी ने इंग्लैंड में बृहद मात्रा में चॉकलेट बेचना आरंभ किया। रिचर्ड कैडबरी ने अपने उत्पाद को सजावटी बक्सों में बेचना शुरू कर दिया और इसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी चॉकलेट को सभी पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सबकी पसंदीदा चॉकलेट का आविष्कार हुआ था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।